आपका क्वेश्चन है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 5 एंड 45 रिस्पेक्टिवली इफ द सम ऑफ ऑल इट्स टर्म्स इज 400 फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो गिवन में इसने क्या क्या दे रखा है देखते हैं। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दैट मीन्स ए इज इक्वल टू 5, ए एन इज इक्वल टू 45, और क्या दे रखा है उसने सम ऑफ इट्स टर्म दैट मीन्स एस एन इज इक्वल टू 400। ठीक है, ये तीन चीज दे रखी है उसने। अब इसने कहा फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है देखते हैं, जिसके अंदर ए और ए एन दोनों आना चाहिए तो क्या होगा एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू और ब्रैकेट के अंदर आपका होता है ए प्लस ए एन। ठीक है, तो एस एन इज 400 दैट इज इक्वल टू एन वी आर नॉट नोइंग ए इज 5 ए एन इज 45 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 800 इज इक्वल टू एन इंटू 5 प्लस 45 इज 50। ठीक है, तो n हमारा क्या हो गया n हो गया हमारा 800 बाई 50 नीचे की तरफ आ गया कट करो तो कितना हो गया 16 1 एंड 6 तो n की वैल्यू हमारी क्या आ गई 16। ठीक है, लेकिन इसने कहा इट्स कॉमन डिफरेंस तो अब हम लेते हैं ए 16 ए एन की जगह पे अब 16 हो जाएगा तो ए 16 दैट इज इक्वल टू क्या होता है हमारा ए प्लस 16 एन माइनस 1 16 माइनस 1 इंटू डी तो ए 16 इसने ए एन पहले से दे रखा दैट इज 45 तो यहां हो गया हमारा 45 इज इक्वल टू ए इज 5 प्लस 16 माइनस 1 इज 15 डी। 5 को इस साइड में लेकर आते हैं तो हमारा हो जाएगा 45 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 डी। 45 माइनस 5 कितना हो गया 40 40 इज इक्वल टू 15 डी तो डी हमारा कितना हो गया 40 बाय 15 कट करेंगे 5 से कट हो रहा है तो नीचे आ गया 3 ऊपर आ गया 8 तो D हमारा क्या हो गया 8 बाई 3 इज योर आंसर। ठीक है,